नमस्कार, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यशवंत गौरव टाउनशिप, जय विजयनगर, फेज वन फेज टू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राहत आई सिटी। जय विजयनगर सोसाइटी नालासोपारा वेस्ट की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के साथ संपूर्ण सोसाइटी वासियों ने एक साथ बहुजन विकास अघाड़ी में पार्टी के नालासोपारा प्रत्याशी सिद्धिश ठाकुर के हाथों प्रवेश किया। इन लोगों को पार्टी में प्रवेश करवाने प्रवीण राजपुरोहित युवा कार्यकर्ता और हरिओम श्रीवास्तव वार्ड क्रमांक 55 युवा उपाध्यक्ष अंकित सिंह आकाश सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इन लोगों के पार्टी ज्वाइन करने के समय क्या कुछ कहा नालासोपारा के विधायक सिद्धिश ठाकुर ने। यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। सर बताइए आपका नाम? रामचंद्र तिवारी। सर क्या कहेंगे आज जो आप यहाँ पे आए, तो क्या आपका मकसद है? आपने बहुजन विकास अघाड़ी का बहुजन मफलर पहना हुआ है। विकास अघाड़ी का समर्थन भरपूर है और हर चीज़ में आगे है। बाहर के लोगों का क्या भरोसा है कब आए और कब चले जाएं? तो आपको बहुजन विकास अघाड़ी में से क्या लगा खासियत की लोगों ने? इसमें तो सब दिन लगाए ना, आज की बात थोड़ी है। आज से नहीं, 1970 से ही लग रहा है। तो दादा के पास आप क्या मुद्दा लेके आए आज? हम अपनी समस्या लेके आए, दादा ने सॉल्व किया। समस्याओं में क्या क्या समस्या थी? समस्या यही निकाले, OCO पानी का मंदिर बनाना है, ये सब करना है, यही सब समस्या थी। दादा ने कहा आपका हो जाएगा काम। आने का आश्वासन दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप, मैं प्रवीण राजपुरोहित, युवा कार्यकर्ता बहुजन विकास अघाड़ी। ये सभी पहले भाजपा को समर्थन करते थे, लेकिन आज इनको यहाँ पे ये भी देख रहे हैं इतने सालों से कि बहुजन विकास अघाड़ी ही एक विकल्प है, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, बहुजन विकास अघाड़ी का वसई तालुके में और कोई विकल्प है ही नहीं, है ही नहीं। आपको पूरा विश्वास है जीत के आएंगे? 100% कोई 100% मतलब कोई डाउट का कोई कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं, 1% भी नहीं, 110% बहुजन विकास अघाड़ी जीत रही। दादा बताएंगे क्या कहेंगे आज जब ये लोग इस समय में भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? 365 दिन, 5 साल लोगों के सुख दुख में साथ में रहना, उनके समस्याएं जान के लेना, अलग अलग जगहों पे जिधर जिधर उन्होंने बुलाया वो कार्यक्रम अटेंड करना, हमेशा लोगों के साथ रहना, उनके काम करने का प्रयास करना, ये हिसाब से अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग हमेशा हमारे साथ। आज भी कुछ एरिया के थोड़ा सा हमारे इधर उधर हो गए थे, वापिस आ गए हैं, वापिस प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आ गए, तो वो हिसाब से आज आप सब देख रहे हैं। दादा अपना बहुजन विकास अघाड़ी का ये चुनाव को लेके विजन क्या है? जैसे कल शिवसेना के जो प्रत्याशी उन्होंने अपना जाहिरनामा प्रकाशित किया है, तो अपना विजन क्या है? उसमें का एक मुद्दा नया दिखाने का, हमारा पूरा किए हुए काम, जो काम पाइपलाइन में है, जो मैनिफेस्टो में है, वही पूरा रंग बदल के उन्होंने वीडियो बना डाला। एक मुद्दा सिर्फ उनके मैनिफेस्टो में नया कौन सा है वो उन्होंने बता दिया, और मेरा तो हर मीडिया के सामने मैं आह्वान कर रहा हूँ, आमना सामना कराओ, आपको भी विनती करता हूँ, ये छुप छुप के व्हाट्सएप फेसबुक पे मुंबई का टीम बुला के क्रिएटिव बना के लपा छुपी करके फेंकने का, आओ लोगों के सामने, वो थकेंगे नहीं तब तक आरोप करते रहने का, मैं जवाब दूंगा लोगों के सामने। सर ये लोकल और बाहरी का मुद्दा है क्या चुनाव में? लोकल उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा है क्या चुनाव में? किसका क्या कैपेसिटी है, किसका क्या कैलिबर है, किसके किस व्यक्ति ने और किस पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं, यही काम लेके जो प्रोमिसज किए थे, जो डिलीवरीज हमने कामों के किए और आगे करने वाले, यही बेसिस पे वसई तालुके की जनता उनके आमदार चुनने वाली है, जो हम। वसई से शिवसेना प्रत्याशी जो है विजय पाटिल, उन्होंने परसों पहले चर्च में, फिर मस्जिद में, यानी हर जगह वो गए, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहना, मतलब 5 साल क्यों नहीं गए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम भी गुजार, हम तो 5 साल 365 दिन लोगों के साथ में रहते हैं, हर जाति धर्म के लोगों के साथ हम लोग 365 दिन रहते हैं, 5 साल में एक बार जाने वाले वैसे लोग बहुत देखे, उसको वैल्यू भी। सर ये बहुजन विकास अघाड़ी की जो 3 सीट है, तीनों सीट पे युति ने खरीद कर उम्मीदवार लाए हैं,
तो इसके बारे में क्या कहना है? खरीद कर लाए नहीं, मेरा तो ये मानना है, लोगों का मानना है कि खरीद कर आयात किया हुआ माल। वैसे ही मैं कांग्रेस का एटीएम ले लिया है, मतलब वो खर्चा करते बैठेगा। यस, इधर से थाना मुंबई का लाया, मतलब ये 35 कोटी तो ऑफिशियल दिखा है। यस, बाकी उनके ही पार्टी के एक जवाबदार मंत्री ने आरोप किया था विधान परिषद में कि 5,000 करोड़ का मालमत्ता है। शिवसेना के मंत्री, जवाबदार मंत्री ने आरोप किया था, तो कोई तो भी खर्चा करने वाला मांगता है। अलग अलग आवाज़ आ रही है कि डेवलपमेंट तो होने नहीं वाला है, लेकिन 20-25-50 करोड़ ये 10 दिन में खर्चा करने वाले उम्मीदवार मांगते थे, इसलिए उनको लाए। विकास काम के लिए नहीं लाए, पैसा खर्चा कौन कर सकता है? वैसे उम्मीदवार जमा किए वैसे ही और सुपारा। आपके एक तरफ बगल में पामेजा जी खड़े हैं, तो क्या आपको जैन समाज का या सभी समाज का सहयोग है आपको? जैन समाज मेरा छोटा भाई, 6 साल भी उसने पॉल्यूशन किया था और 28 नहीं 9 पास के स्थानकवासी देहा दिन और, मतलब 28 तो हर साल करता ही है, लेकिन 9 दिन का 28 क्या क्यों, तो स्थानकवासी और देहरावासी में 1 दिन का फर्क है। मेरे पिताजी ने पिछले 14-18 साल 28 की, मेरा भाई पिछले 7-8 साल से 28 कर रहा है। मतलब जो आशीर्वाद हमने गुरु जी और ये सारे जाते थे उनके लिए प्यार मोहब्बत से, आज वसई तालुकों में एक भी NC FIR नहीं, एक भी NC जाति धर्म प्रांत के नाम पे हुआ नहीं। आपस में झगड़े हुए रहेंगे, लेकिन एक भी NC जाति धर्म या प्रांत के उनसे भाषा पे हुआ नहीं। वो शांति से सुख समृद्धि से रहने चाहिए, वही हिसाब से हम सबको साथ में लेके चलते। थैंक यू सर। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।